अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें मुझे और मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये है बम्बई कोयला कढ़ाई, और बम्बई कोयला कढ़ाई मौजूद है हुसैनाबाद पे। कहां पे एक्यूरेट लोकेशन भी आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पे हम क्यों आए हैं, यहां पे हम आए कढ़ाई खाने, क्योंकि मैंने आपको सारे फ्लेवर दिखाने हैं। तो कढ़ाई कैसे पीछे रह सकती है, हुसैनाबाद की मशहूर बम्बई कोयला कढ़ाई पर मैं आज मौजूद हूँ और मैं आपको खिलाने वाला हूँ। हर तरह की कढ़ाई यहाँ मौजूद है, कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं ये भी हम देखेंगे, और लोग क्या कहते हैं इस कढ़ाई के बारे में वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। रिव्यू तो बहुत जरूरी है क्योंकि बनता है बॉस। तो चलिए आइए देखते हैं लोग क्या कहने वाले हैं, कढ़ाई कैसी है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, खिलाता हूँ, चखाता हूँ और लोगों से सुनवाता भी हूँ। आइए तो व्यूअर्स, यहाँ के मैनेजर साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद। अच्छा अहमद, ये बताओ कि होम डिलीवरी वगैरह होती है यहाँ पे? बिल्कुल होती है। क्या नंबर है? नंबर तो व्हाट्सएप का अलग है और नॉर्मल नंबर अलग है। व्हाट्सएप का नंबर अलग है, नॉर्मल नंबर अलग है। नंबर याद है वैसे आपको बता सकते? बिल्कुल, एक नंबर है जोन का 03-118-22-74-474। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भी होता है? नहीं, व्हाट्सएप पे दूसरा है, 0 व्हाट्सएप पे। ये लैंडलाइन नंबर है जिसपे कॉल बंदा कर रहा होता है। ठीक, दूसरा नंबर है व्हाट्सएप वाला 03-48-25-60-878। सॉरी मैंने लैंडलाइन बोल दिया, मोबाइल नंबर था, सॉरी। तो दोनों मोबाइल नंबर है, जो पहला वाला आपने बताया वो कॉलिंग के लिए यानी कॉल उस पर हो रही होती है, और जो दूसरा आपने बताया उस पर जो व्हाट्सएप हो रहा होता है। इसमें खाली ये नहीं, इसमें आपको ऑर्डर भी देना हो ना, यहाँ से उठाना हो तब भी मुझे कॉल कर सकते हो, दोनों नंबर मेरे अपने। अच्छा, ये दोनों नंबर आपने सुने व्यूअर्स, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर करना हो और होमलाइन डिलीवरी आपको मनवानी हो या मंगवानी हो घर बैठे बैठे आपको खाना हो तो आप ऑर्डर करें, मैनेजर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपके ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑर्डर कब तक मिल जाएगा ज़रा ये भी बता दिए। ऑर्डर तकरीबन जगह के हिसाब होता है, तकरीबन आधा घंटा भी लग जाता है, यहाँ से तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई, ये भी बता दें कि कहाँ तक डिलीवरीज है? डिलीवरी ऑल कराची, हर जगह। ऑल ओवर कराची? ऑल ओवर कराची। टाइमिंग बताए थे 7 से तकरीबन 12? हाँ, तकरीबन 7 से 12 बजे तक हो जाए। ऑल ओवर कराची में डिलीवरी भाई मुमकिन है, तो आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आपका ऑर्डर जो है आपको जल्द मिल जाएगा। तकरीबन लोकेशन के हिसाब से टाइम लग सकता है 1 घंटा और 1.5 घंटे के करीब करीब हो सकता है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे एक गैदरिंग मौजूद है जो कि इस वक्त कढ़ाई पे हमला कर चुके हैं, खा पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? अवैध शाह मेरा नाम है। अच्छा, ये बताएं कैसी लग रही कढ़ाई और कौन सी कढ़ाई खाई आप? बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई हमने मंगवाई है। बीफ कढ़ाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, गुड हो गया। और वैसे है कितने की है? इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूरी गैदरिंग का मकसद यही होता है, रेट नहीं पता तो खाने का पूछो। जायका कैसा है? सब सेट बराबर है, नमक मिर्ची मसाले सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कैसे लगी कढ़ाई आपको? माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। जायका एक सब सेट है, परफेक्ट है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। मतलब घर जैसी है या थोड़ा सा अलग कुछ है? घर जैसी तो नहीं होती, खैर जैसी ऐसी नहीं बनती, घर की बात और होती है। ये बात तो घर वाली कढ़ाई में माँ का प्यार होता है। ये बड़ी अलग बात हो गई वैसे। जी बस यही। अच्छा, फिर वो शादी के बाद बेगम का होता है अगर सही से बना दे तो लाना पड़ता है। ये लो जी, ये बहुत 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 गहरी बात हो गई भाई। शादी हो गई आपकी? नहीं, तभी बात हो गई है, वरना शादी होती ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, ये बता दूँ। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये बताओ कि खाना यहाँ पे आप मतलब अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हो या पहले भी खा चुके हो? फर्स्ट टाइम तो नहीं खा रहे, 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, हमने खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। तो कैसा है जायका, कैसा है? जायका बहुत अच्छा है, हम लोग इसलिए दोबारा आए हैं आज क्योंकि खाना हमें बहुत अच्छा लगा है। वाह गुड, क्या मंगाया गया है? मुझे 3 चीज़ें दिख रही हैं मेरे ख्याल से। 3 आपने कढ़ाई मंगाई? मंगाया और है बीफ मंगाया हुआ है, चिकन मंगाई और बीफ मंगाई है, और दोनों के जायके बड़े बेहतरीन हैं। हाँ, मैंने परसों ही खाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए आज मैंने सारे दोस्तों को मैंने बोला आज दोबारा सब आ जाओ, मैंने सबको आज दोबारा लेके आया, तो हम लोग ने ग्रुप बना के आया था यहाँ। खर्चा कौन करेगा? खर्चा हम लोग सारे मिलके ही करते हैं, दोस्त यार है तो सारे को। ये चीज़ बड़ी बड़ी यादगार होती है, दोस्त यार होते हैं आपस में गैदरिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया हो गया काम। हाँ, यही टाइम होता है क्योंकि हम लोग सारे पढ़ते हैं तो हम लोग साथ मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ वो करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, ये कंट्रीब्यूशन शादी से पहले तक रहता है? हाँ, शादी के बाद तो फिर बंदा आपको पता है फंस जाता है, फिर सारे लोग सारे आ जाते हैं। मैंने किया हुआ शादी, बाकी किसी ने नहीं किया, मैंने किया हुआ, मुझे इस चीज़ का पता है, बाकी किसी ने नहीं किया है। अच्छा, किया तो मुझे पता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा जख्मों पे नमक छिड़क दिया। हाँ, ये तो होता है,
हम तो घर से जब निकलते तो पूछते कहाँ जा रहे, तो हम बोलते हैं बस कहीं जा रहे, झूठ बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है बस, आप बता दिया तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपको पता है होती रहती है आपस में दोस्त, क्योंकि पुराना हम लोग पुराने काफ़ी टाइम से हम लोग साथ रहते हैं, तो फिर ये आपको पता है दोस्तों का ही है, वो फिर साथ चलते रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है मैसेज आ रहे हो किसके साथ बैठे हुए थे? नहीं नहीं, वो मैसेज आते तो फिर उसको हम लोग वो आपको पता है बराबर कर लेते हैं, बैलेंस हो जाता है। थैंक यू भाई मुजफ्फर। ये बताएं कैसा लगा खाना आपको? जायका अच्छा है। जायका अच्छा है, और कितने की है वैसे ये? प्राइस नॉर्मल ही है, एज यूजुअल जैसे बाहर होती है उसके नॉर्मल प्राइसेस। आपने मंगाई कौन सी कढ़ाई है? सर हमने दुम्बा कढ़ाई मंगाई है, मटन कढ़ाई मंगाई है और बीफ कीमा मंगाया है। अच्छा माशाल्लाह, जायका वायका सब सबका अच्छा है? जी जायका अच्छा है। ये आपने खाया क्या और कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। ये हमारे पड़ोसी हैं, पिशावर से आए हैं अभी। अच्छा। मेरे ख्याल 2 या 3 दिन हुए, तो मैंने बोला इनको थोड़ा सा क्या पूरा ही खा लिया। तो मंगवाया क्या था आप? कढ़ाई मंगवाई थी बीफ कढ़ाई थी। कैसे लगी जायका? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, क्या ले? कैसे हैं आप? ठीक हैं? पिशावर से आप इतनी दूर कढ़ाई खाने आए हुसैनाबाद? नहीं, इधर हमारा अपना होटल है गुलबर्ग में। अच्छा, अपना होटल होने के बाद फिर आप यहाँ पे आ गए? मामा होटल है। मामा होटल है। अच्छा, कैसी लगी कढ़ाई है बताइए? ज़बरदस्त है, बड़ा मज़े की थी। मज़े की बिल्कुल। और पिशावर में सब सेट है? सब सब ठीक चल रहा है वहाँ पे? सर्दी वर्दी से बराबर है? सर्दी से बराबर सर, ठीक है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बार फिर से लोकेशन गाइड कर देता हूँ। अगर आप आएंगे मेन हुसैनाबाद के फूड स्ट्रीट पे, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ये नज़र आएगा कोयला कढ़ाई, सॉरी बम्बई कोयला कढ़ाई। तो यहाँ पे आइए, यहाँ की कढ़ाई बड़ी स्पेशलिस्ट होती है, और कढ़ाई के हवाले से यहाँ पे एक जो रश है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं माशाल्लाह से। जुम्मा हफ्ता इतवार पीक पे चल रहा होता है यहाँ पे टाइम, तो आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, नो डाउट। बहुत टेस्टी है, स्पाइस भी बेहतर है काफ़ी हद तक, यानी लोग जो है नॉर्मल इसके हिसाब से रेट के हिसाब से मंगवा के खा सकते हैं।